भारत में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है। लगातार देश में संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 11 मरीजों की मौत हुई है। देश में फरवरी के बाद पहली बार 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 58,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। 15 जून को देश में कोरोना के करीब 8,000 मामले सामने आए थे, तो वहीं 16 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 12,000 से ऊपर निकल गया। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को 1,118 मामले सामने आए थे। फिलहाल राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,643 पहुँच चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से सिर उठा चुका है। बुधवार को राज्य में 4,024 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,293 नए मामले तो सिर्फ मुंबई से ही सामने आए हैं।